बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेट चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 61 में। लेट्स प्ले जीके क्विज 61। पहला प्रश्न, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में या ऑप्शन डी लंदन में। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी हर्ष कुमार बम्बला, ऑप्शन सी अजय त्यागी या ऑप्शन डी रजनीश कुमार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 1995 के बैच IAS अधिकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया है, जो कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 26 नवंबर 2012, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013 या ऑप्शन डी अदर्स। आप चाहें तो स्क्रीन पर करके इसका आंसर को सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी एक भारतीय राजनीतिक दल है। औपचारिक रूप से 26 नवंबर 2012 को लॉन्च की गई और वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शासक पार्टी है और इसके लीडर श्री अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा डे रे कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हैंडबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बारिश आह्वान करने के लिए महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी जाट जतिन, ऑप्शन बी ओडिसी या ऑप्शन डी मणिपुरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जाट जतिन। बिहार में बारिश आह्वान करने के लिए महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य जाट जतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी खाली स्थान प्रकार की होती है। ऑप्शन ए स्थाई यानी कि परमानेंट, ऑप्शन बी फ्लैश, ऑप्शन सी अस्थाई यानी टेम्पररी या ऑप्शन डी स्मार्ट। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसके आंसर को सोच सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सरल है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर सही सोचा होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टेम्पररी। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पररी प्रकार की होती है यानी अस्थायी प्रकार की होती है। आपको बता दें, कंप्यूटर की मेमोरी को रैम भी कहा जाता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। एक कंप्यूटर की स्मृति वह जगह है जहाँ सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है जबकि इसे एक्सेस किया जा रहा है या काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपना रिज्यूम अपडेट कर रहा हूं, तो मैं इसे खोलने के लिए अपने आइकन पर डबल क्लिक करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सईद नासिर हसन किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी क्रिकेट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता खाली स्थान होती है। ऑप्शन ए 1.44 MB, ऑप्शन बी 1 MB, ऑप्शन सी 1.66 MB या ऑप्शन डी 1.55 MB। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1.44 MB 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता यानी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर बीवी गिरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसके आंसर को सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको बता दें, जाकिर हुसैन के बाद 1969 यानी 1969 में बारागिरी वेंकटागिरी देखभाल करने वाले अध्यक्ष बने और कार्यालय में उनकी मृत्यु हो गई। गिरी कुछ महीने बाद राष्ट्रपति चुने गए थे और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। उस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है खाली स्थान। ऑप्शन ए 6 से 11 आयु वर्ग, ऑप्शन बी 9 से 14 आयु वर्ग, ऑप्शन सी 15 से 35 आयु वर्ग या ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है यानी देयर इज नो एज लिमिट।
आपको इस क्वेश्चन का जवाब हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्विज खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे खेलना तो लर्न वेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आपको हर नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सके। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब हर बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह क्विज से कुछ जानकारी मिली हो और ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।